नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। गुमला के चैनपुर गम्हरिया सिफरी गांव के लोगों ने कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। समस्या सुनने पहुंचे आजसू नेता। चैनपुर प्रखंड अंतर्गत मालम पंचायत का गांव गम्हरिया एवं सिफरी आज भी विकास की बात जो रहा है। गम्हरिया एवं सिफरी गाँव आदिवासी बाहुल गाँव है, जहाँ आज भी बिजली पानी सड़क का है घोर किल्लत। किस युग में जी रहे हैं यहाँ के लोग, देखने के लिए सरकारी नुमाइंदों को फुर्सत नहीं है। गांव तक पहुंच पथ नहीं होने के कारण अधिकारी गांव नहीं जाना चाहते हैं। बताते चले कि इस गांव में सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य रोजगार आंगनबाड़ी केंद्र जन वितरण प्रणाली दुकान आदि मौलिक सुविधाओं का अभाव है। गम्हरिया एवं सिफरी गाँव जाने के लिए सड़क नहीं है, बीच में नदी पड़ती है जहाँ पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इस नदी के कारण चार गांव के लोग गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। लोग पगडंडियों के सहारे बाजार जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय पंचायत एवं स्कूल कॉलेज आना जाना करते हैं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में खटिया को एम्बुलेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी पगडंडियों के सहारे 8 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग स्वास्थ्य केंद्र। गम्हरिया गाँव में स्वास्थ्य के लिए कोई साधन नहीं है। यहाँ के लोगों को उप स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए नदी पार कर 8 किलोमीटर दूर चैनपुर आना पड़ता है। सड़क नहीं रहने के कारण बीमार व्यक्तियों को खटिया में टान कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। पानी के लिए हाहाकार, एक भी चापानल नहीं। गम्हरिया एवं सिफरी गांव में पानी के लिए हमेशा हाहाकार मची रहती है। नल जल योजना से दोनों गाँव में जल मीनार लगाया गया है, जिसमें सिफरी गाँव का जल मीनार खराब और बेकार पड़ा है। गांव के लोग कुएं का गंदा पानी पीने को विवश हैं। गर्मियों में कुएं का पानी सूख जाने से स्थिति और भी बदतर हो जाती है। राशन दुकान के लिए 5 किलोमीटर दूर जाते हैं लोग। गम्हरिया एवं सिफरी गांव के लोगों को राशन लाने के लिए लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वही बरसात में नदी भर जाता है तो वो राशन से भी वंचित रह जाते हैं। धीबरी युग में जीने की विवशता, गाँव में बिजली नहीं पहुँची। पूरे भारत में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, लेकिन जोबला गांव में अब तक बिजली नहीं पहुंची है। यहां के लोग आज भी धीबरी युग में जी रहे हैं। पहाड़ पर बसे इस गांव में नहीं है शौचालय की व्यवस्था, खुले में शौच करते ग्रामीण। स्वच्छता विभाग की ओर से भारत के हर गाँव में शौचालय बनाया जा रहा है, लेकिन सिमरा जरा गाँव में किसी के घर में शौचालय नहीं बना है। लोग खुले में शौच जाने को मजबूर है। चैनपुर से संवाददाता निखिल सिंह की रिपोर्ट। हमर गांव में एक ठो गाड़ी भी पार भी होल साइकिल जाएले भी दिक्कत है। हमर छुआ मन स्कूल जाए ना, और कोई छुआ छोट छोट छुआ मन स्कूल भी नखे गांव में लांघे नहीं पारे ना। अगर कभी भी कोई महिला के डिलीवरी केस हो गेलक उ जगह लाने के लिए हमके बहुत दिक्कत ताले दिक्कत होते है। दिक्कत होते है हमारे गाँव में, ना तो पुला है ना तो रोड है। हर रोड कुछ भी नखे, बाजार जाइला सब पैदल आवेला। आज कल कर दिन में कादो दिन आ है, बरसात कर दिन है के एक एक ठेगना तक हमरे मन कादो के खुंद के पार हुई। जूता चप्पल कुछ भी हमर गोड़ में नहीं रहेला। और हमरे मन सबसे ज्यादा एम्बुलेंस के बोलेला, कुछ अगर हमरे के दिक्कत हो गेलक गाँव घर में कोई भी हमारे पेशेंट हो गेल तो मालम तक के भी लांघे नहीं पारे ला एम्बुलेंस। हम कहीं से बोझ के लाने के पड़ेला गेड़ुआ में, और हमें मालम से उपार ले के हमरे मन हॉस्पिटल तक पहुंचाई तो हमरे के बहुत दिक्कत है। सेले हमर कहना है कि हमरे मन के गांव में रातू गम्हरिया मतलब चार गो गांव होएला, सिफरी गम्हरिया कतारी कोना कलहू कोना, इतना कुन आदमी मन हमरे मन वोट के बहिष्कार करब। हमें वोट नहीं दे काले, आज से हमें वोट देते नहीं आवत थी, बचपना से वोट देते ही, लेकिन आज तक से जंगल पहाड़ में रोड बनलग और गम्हरिया गांव में कैसे रोड नहीं बनेला। जब इतना हमें वोट देवीला और आदमी के जीताईला, कौन सरकार है कि जितना कुन जीताई के होते हुए भी हमारे गांव में रोड निखे और पुल नखे। दोनों बट नदी है हमरे मन टापू कर बीच में आई, दोनों बट से हमके इतना दिक्कत है, कोई भी गाड़ी ना घोड़ा नहीं घुसेला हमारे गाँव में। सेले हमके चाहिए रोड और पुल चाहिए। छुआ मन के इतना दिक्कत है स्कूल ले। नाम बताओ। मोर नाम है के मुनी देवी। मालम से सिफड़ी जाने का रास्ता पुल का बहुत दिक्कत हो रहा है, पुल का है सड़क का है। इससे पहले भी सिफड़ी वाले और गम्हरिया वाले दोनों गांव और आपके इधर कुलू कोना कतारी कोना है तो जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। विधायक को दिया उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सांसद को दिया उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, मुख्यमंत्री तक चिट्ठी पहुँचा
इनका आवाज पहुंचा लेकिन वहां तक भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वीडियो चैनपुर में तो कोई बार बार दे के थक गए, वो तो बस डस्टबिन भर रहा है एक तरह से कहिएगा। और देखिएगा तो स्कूल का बच्चा लोग के लिए और खासकर वैसे महिलाएं जो डिलीवरी में जाती हैं स्वास्थ्य को लेके, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। अचानक अगर पानी भर जाता है तो एक छाती पानी आ जा रहा है तो उसमें आदमी को पार होने बहुत दिक्कत है। तो सब ग्रामीण जैसे उपस्थित है और रोड को जैसे आप देख रहे हैं तो उस परिस्थिति में यहाँ पुल का और सड़क का बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम ग्रामीणों के साथ में मेरा भी मांग है कि प्रशासन अगर मेरा आवाज़ को सुन रहा है तो इस पर अपना ध्यान जरूर केंद्रित करे और इस काम को जल्द से जल्द करे, नहीं तो पूरा ग्रामीण आक्रोश है और इनका एक लाइन में कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं और पुल नहीं तो वोट नहीं। और ये निश्चित तौर पे देखा जा रहा है, इससे पहले लोकसभा में भी हम लोग देखे कि बिशनपुर का कुछ एरिया में उसी तरह से विरोध हुआ। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र में 70 साल हो गया, 70 साल बीत गया लेकिन अभी भी छोटा सा पुल के लिए और थोड़ा सा सड़क के लिए चार गांव को जोड़ा नहीं जा रहा है, जिससे किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है ग्रामीणों को। तो मेरा पुनः प्रशासन से या सरकार से रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें और इस काम को जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोनिफास कुजूर, आसू पार्टी केंद्रीय सचिव, गुमला विधानसभा प्रभारी।